सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमजा इमरान है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही हॉट और बर्निंग इशू है, जिसकी वजह से हर जगह शोर भी फैला हुआ है और लोग पैनिक भी कर रहे हैं, विच इज नोवल कोरोना वायरस। अब चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाला ये कोरोना वायरस, जिसे COVID-19 भी कहा जा रहा है, एक ऐसा वायरस है, बल्कि एक ऐसा पुरसरार वायरस है जिसकी आज से पहले इंसान में कभी शिनाख्त हुई ही नहीं। ये वायरस एक इन्फ्लुएंजा फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस इसकी क्राउन लाइक अपीयरेंस को देखकर दिया गया है। इस वायरस को ज़ूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। ये ज़ूनोटिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है और फिर ह्यूमंस में ट्रांसमिटेड हो जाता है। ये वायरस कोरोना वायरस पहले भी 2003 में चाइना में आउटब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रॉपर 12 लोगों की टीम चाइना में भेजी, जो कि इस मसले को हल करने में कामयाब हो गई। इन्फेक्शन के अलामत में सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला जुकाम, खांसी और बुखार शामिल है। ये इस कोरोना वायरस की किस्म या उस फैमिली से है, जो कि इसकी तरह पहले से सिर्फ 6 हैं और ये कोरोना वायरस 7वां है जिसकी तशखीस की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम क्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जोनाथन बॉल के मुताबिक ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस है, तो मुमकिन है किसी तो ये किसी जानवर से आया हो। अब तक सामने आने वाले केसेस चाइना की सिटी वुहान की सी फूड सी मार्केट से आए गए हैं, जहाँ पर ऐसे जानवर लाए जाते हैं जैसे कि मैमल्स, जिन्हें हम दूध पिलाने वाले जानवर भी कह सकते हैं। अब तक चाइना की सिटी वुहान से शुरू होकर ये वायरस तकरीबन पूरी दुनिया में फैल गया है, जैसे कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया, UK और अब इवन पाकिस्तान में भी। और अब हमें चाहिए कि हम रोजाना हाथ धोएं, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर लगाएं, अगर कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और एक दूसरे से 3 फुट की दूरी पर खड़े हों। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि 2 मिनट बाद हाथ मुंह धोने के बजाय गुसल करें, वजू करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस की तबाहकारी से इनकार नहीं कर सकते, बल्कि इस कोरोना वायरस का एक दूसरा रूप भी है। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तमाम ऐशोज़ के मज़ाक़ बंद कर दिए हैं, जैसे कि नाइट क्लब, सिनेमा हाउस, जुआ खाने और शराब खाने। और इसने दुनिया भर में लोगों को उनकी इंसानियत और इखलाक की तरफ मुतवज्जे किया है। थैंक यू फॉर वर्किंग फॉर मीडिया।